कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला हल्द्वानी में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के पाप का घड़ा अब भर चुका है। उन्होंने सीधा आरोप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर लगाया और उन्हें खनन मित्र धामी कहा। रणदीप सुरजेवाला ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीधा सवाल किया कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला सबसे बड़ा घोटाला रहा, उसमें किसी भी दोषी को अब तक क्यों सजा नहीं हुई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में धान खरीद घोटाला हुआ, क्या उसमें शिवराज सिंह चौहान किसी को सजा दिलाएंगे। रणदीप सुरजेवाला ने शिवराज सिंह चौहान को नाजायज मुख्यमंत्री की संज्ञा देते हुए कहा, शिवराज सिंह चौहान ने प्रजातंत्र का दुर्योधन की तरह चीरहरण तक किया है, ऐसे आदमी को चार धाम का नाम लेने से भी गुरेज करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी, पहले ये बता दें कि उनके यहां जो व्यापम घोटाला हुआ था, किसी को सजा दी। शिवराज सिंह चौहान जी ये बता दें कि आज ही बहुत बड़ा धान खरीद घोटाला सैकड़ों करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश में हुआ है, उसका वो क्या करेंगे। मध्य प्रदेश में बालू खनन माफिया घोटाला कर रहा है शिवराज सिंह चौहान जी की नाक के नीचे। वो एक नाजायज मुख्यमंत्री हैं मेरे दोस्त, नाजायज मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि प्रजातंत्र का दुर्योधन की तरह चीरहरण शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ऐसे व्यक्ति को तो चार धाम का नाम लेने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो शब्द कहना ही उनके लिए पवित्र है। वहीं उत्तराखंड में भाजपा के जारी किए गए मैनिफेस्टो पर भी रणदीप सुरजेवाला ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल चुका है। जिन लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आने थे, क्या उन लोगों के खातों में 15 लाख रुपए की रकम आ चुकी है। उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र को जुमला बताते हुए कहा, अब जनता भाजपा के बहकावे में आने वाली नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक धोखा है, धक्का मारो मौका है, उत्तराखंड की जनता भाजपा को अपने वोट की चोट देगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज जुमला पत्र जारी किया है। पिछले 5 साल में जो वादे किए थे उनका क्या हुआ, मोदी जी और धामी जी से पूछिए। पहले मोदी जी से पूछिए, 15-15 लाख सारे उत्तराखंडियों के खाते में आ गए। क्या उत्तराखंड में 2 करोड़ रोजगार जो पूरे देश में मिलना था उत्तराखंड के युवाओं को, वो मिल गया। 80 लाख करोड़ का काला धन वापस हो गया। 100 स्मार्ट सिटी बन गए। हर 2022 तक हर हिंदुस्तानी के पास पक्का मकान होना था, वो हो गया। तो इसीलिए क्या कहा, एक वो ऊपर वाले हैं बड़े मियाँ, वो भी इसी प्रकार के जुमला पत्र जारी करते हैं। एक ये महाराज हैं, क्योंकि पता नहीं इनका, अब तो समय पूरा हो चुका, एक जुमला पत्र इन्होंने जारी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी एक धोखा है, धक्का मारो मौका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोनों हाथों से 5 साल से लूटा है। भाजपा और भ्रष्टाचार दोनों को वोट की चोट से हराने का समय आ गया है। धामी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सर के बाल से पांव के नाखून तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। इनके पाप का घड़ा भर गया है। पाप का घड़ा जो भरा है वो केवल भ्रष्टाचार के पाप का नहीं, बेरोजगार और के साथ जो इन्होंने दुर्व्यवहार किया, युवाओं के ऊपर जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रहार किया, गृहिणियों का बजट बिगाड़ा, जिस प्रकार से हर चीज को लूटा, हर चीज के अंदर जिस प्रकार से आकंठ भ्रष्टाचार हुआ, अब वोट की चोट से उसको सजा देने का समय आ गया है।